भैया हमें मंदिर का क्या करना है? मंदिर जब कोविड का इतना बड़ा कहर चल रहा था तो हमारे मोदी योगी जी राम मंदिर का निर्माण कर रहे थे, उस टाइम पे लाशों की सिला धरी जा रही थी। किसी ने कहा कि उनको अच्छी सुविधा चाहिए अस्पतालों में। क्या सुविधा थी? हर माँ ने अपना बेटा खोया, हर भाई ने अपनी बहन खोई, हर माँ ने अपने बच्चों को खो दिया। आज अगर हमारे मोदी जी 15 अगस्त पे अगर हमारे लिए कोई सुविधा लेके आते, कोई सस्ती हमारे लिए वो लेके आते, रोजगार की अगर हमारे लिए बात करते कि नहीं भाइयों बहनों, तिरंगा तो आप लहराओगे, तिरंगा तो आपका हक है, मगर मैं प्रधानमंत्री होने के नाते ये कहता हूँ, आपके हर घर का बच्चा रोजगार पाएगा, हर घर के बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। मगर नहीं, मोदी जी को ये बात नहीं समझ आती है। मोदी जी तो गरीबों के पीछे लग चुके हैं कि आप गरीब हो, गरीब होते रहोगे, हम मालदार हैं और मालदार होते रहेंगे। मगर मैं सभी देशवासी मजदूर भाइयों से एक बात कहना चाहती हूँ, आप अपनी आंखें खोलिए, झंडा लहराइए, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीनेगा। जैसे मनाते आ रहे ऐसी मनाइए, किसी के कहने से कोई डीपी मत लगाइए, आपका हक है, आपका दिल कहता तो लगाइए, मगर आप सिर्फ रोजगार की बात करिए। आप अपने राशन जो इन्होंने गैस महंगी करी इसको सस्ता कराने पे ध्यान दीजिए। मोदी जी की आंखों खोलने का जरूर सब लोग ध्यान दीजिए। मगर ये नहीं है कि योगी मोदी कह रहे हम इसलिए तिरंगा लहराएंगे। तिरंगा आज ये राजनीति जो कर रहे हैं हमारे साथ, आप एक बात बताइए, जिनके घरों में राशन तक का नहीं है इस टाइम पे, गैस इतनी महंगी हो गई है, घर के अंदर चूल्हे तक के नहीं चल रहे, वो तो सिर्फ ये है भाई, हम 15 अगस्त है, हम इस दिन को याद करेंगे कि हमारे जवानों ने कितनी कुर्बानियां दी है, कितने संघर्ष के बाद हमें थोड़ी आज़ादी मिली। मगर इस सरकार ने वो आज़ादी जो हमसे छीनी है और अपनी जो राजनीति है यहाँ पे लाकर खड़ी कर दी है कि भाई ये अपना तिरंगा लहराए, घर घर तिरंगा लहराए। अरे भाई, ये क्या पहले नहीं होता था क्या? ये पहले भी होता था, सदियों, जब से देश हमारा आज़ाद हुआ तब से ही होता है, ये आज इनके कहने से थोड़ी ना हो रहा है। अगर ये कहते हैं ये बात कि हमारे कहने से ये सब चीज़ तो गलत है, ये इनके कहने से कुछ नहीं हो रहा। हर देशभक्त तिरंगा लहराएगा, हर उसमें तिरंगा लहराया गया है। ये इनकी राजनीति है, ये भुखमरी को ढकना चाह रहे हैं, ये जो घर 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 जा जा के जो ये ऐलान कर रहे हैं, क्या साबित करते कि इनके कहने से ये सब हो रहा? नहीं हो रहा इनके कहने से। देखो, ये बात सही है कि हमें सभी को तिरंगा लहराना चाहिए, क्योंकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम मोदी योगी के कहने से ये हम मनाएंगे, ये हमारा खुद का आत्मसम्मान है, क्योंकि हम इस दिन मनाने के लिए हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम अपने देश के लिए तिरंगा लहराते हैं, अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए तिरंगा लहराते हैं, हम किसी राजनीति के उसमें तिरंगा नहीं लहराते। हमारा संगठन तिरंगा लहराएगा, हमारा पूरा एसोसिएशन तिरंगा लहराएंगे, हर मजदूर का हक है तिरंगा लहराना। अगर इन्हें कुछ इस टाइम पे करना था, तिरंगा तो लहराया जाएगा, ये तो फैसला जनता का होता है, मगर इनको ये गैस सस्ती करके देनी चाहिए थी कि भाई मैंने ये करा है, मैंने तुम्हारे 15 अगस्त में तुम्हें गैस सस्ती कर दी है, राशन घर घर फ्री पहुँच रहा है तुम्हारा राशन, तेल जो सरसों का तेल किसी समय पर 40 रुपये लीटर बिकता था, आज जाके देखे 200-200 रुपये लीटर है, 1100-1100 रुपये का सिलेंडर हो रहा है। अरे भाइयों, ये कहाँ से राज्य वो कर रहे हैं? ये राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम ये उत्सव नहीं मनाएंगे, हम जोरों दारों से तो ये उत्सव मनाएंगे, मगर ये जो राजनीति ये हमारे गरीबों मजदूरों के साथ कर रहे हैं वो ये ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी मनमानी गरीब लोगों को जो इन्होंने कुचलने का काम करा है। अरे ये क्या हमें देंगे? हमें बेरोजगार कर दिया, आज हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास इन्होंने चालू कर दी है, आज 50,000 का फोन पेरेंट्सों के पास नहीं होगा तो बच्चे सही उसमें पास नहीं हो पाएंगे। भैया, ये सिर्फ एक राजनीति को इन्होंने इस टाइम पे इसलिए करा है ताकि मजदूर अपना हाय हल्ला ना कर दे। अरे सरकार थी तो सरकार इस टाइम पे एक ऐसा वो लेके आती ताकि गरीबों को, औरतों को जो बेचारी बेरोजगार घरों में लेडी से तड़प रही है, उनके लिए राशन अच्छी तरह से मिल सकता था। देखो, एक मुट्ठी चावल देने से, एक मुट्ठी अनाज देने से क्या गैस चूल्हा चल जाएगा? क्या उसमें क्या चीज़ नहीं डल?
इन्होंने धोखा कर खुशहाल है भैया। आप मेरी बात सुनिए, कहाँ से देश खुशहाल है? इतने बेरोजगार मजदूर डोल रहे हैं, बच्चे आज पढ़े लिखे आत्महत्या कर रहे हैं, बेटियां जो इतनी डिग्री करे करे आज बेकार में डोल रही हैं, ये कहाँ से? आप एक बात बताइए, एक भी बंदा ये बता दीजिए कि जो सरकारी नौकरी मिली हो, जिसको कोई पढ़ा लिखा बंदा नौकरी पे नहीं गया है। ये अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने जो नौकरी का वो करा था, देखो क्या है उसमें, अग्निपथ में क्या है, 4 साल के लिए बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या हम लोग? आज हम खून पसीना करके रोडों पे बेलदारी कर करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे इन्होंने ऑनलाइन क्लास करी, हमने वो भी मान ली, उसमें पढ़ा, कहाँ से रोजगार देंगे? क्या है ये लोग अपना घर भरने के लिए ये हम लोगों को बहका रहे हैं? मैं सभी देशवासी, जितने भी हमारे मजदूर हैं, मैं सभी को आगाह करती हूँ, मनाइए, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। आप लोगों की देशभक्ति कम हो गई है भैया? हमारी देशभक्ति कम नहीं हुई है, ये इनकी सोच है। हम ये बात जानते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये हमारे मजदूरों को बहकाने की। मजदूर इसी टाइम पे तो सवाल करता है, मान लो घर के अंदर उस दिन इतना बड़ा त्योहार मनाता है, एक माँ के पास एक रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, घर में चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, तो कहाँ से वो बंदा? अरे देश का झंडा वो तो मनाएगा, झंडा तो लहराएगा, मगर जो मुद्दे की बात है वो ये है, मोदी योगी जी, सबसे पहला हमें राशन चाहिए, सस्ते रेट से गैस चाहिए, पेट्रोल डीजल सस्ते चाहिए। और जो अभी आप लोग कर रहे हो भैया, ये लोग, अरे भैया राशन की वो व्यवस्था कराओ, पेट्रोल डीजल सस्ते कराइए, हमें रोजगार दीजिए, सबसे मेन मुद्दा हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार की जरूरत है। अरे भैया आप एक बात बताइए, कौन है जो उस घर में गया है? कौन है? जाके देखिए कौन सा घर बना के दे दिया, कोई घर नहीं बनाया इन्होंने। ये झूठ बोलते हैं, ये सरकार झूठ बोलती है, मजदूरों को कहां से क्या दे दिया, ये सबसे बेकार सरकार आई है। आज हमारे मजदूरों के साथ जो ये खेल, जो छल कर रहे, वो सबसे बड़ा खेल खेला इन्होंने, ये राजनीति इन्होंने इस टाइम पे भी इन्होंने राजनीति करी है, पिछली बार इन्होंने राजनीति करी। मगर योगी जी आप जान लीजिए कि मजदूर को आप कब तक ठगोगे, कब तक उनको कहोगे? आज ना बेटियां सेब, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थे, आज हर बेटी घर में रो रही है, हर बेटी गर्म में रो रही है, वो नहीं पैदा होना चाहती, क्योंकि मोदी जी माँ बाप के पास, पेरेंट्सों के पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। आप हमें रोजगार दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हमारे मजदूरों को कि ये सिलेंडर वही 450 हो जा, वही राशन सस्ता हो जा, चीनी सस्ती हो जा।